सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कबड्डी स्टार को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स के फुल टीम एनालिसिस के बारे में, रेटिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी ये हरियाणा स्टीलर्स का फुल स्क्वाड है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडर्स। तो रेडर्स में कौन कौन है वो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो रेडर्स इनके पास कुल 5 नाम है, विनय, विकास खंडोला, मोहम्मद इस्माइल मकसूदलू, मितु शर्मा और विकास चिल्लर। तो ये 5 रेडर्स हैं इनके पास, जिसमें विनय और विकास खंडोला दोनों लास्ट ईयर भी हरियाणा की टीम में थे, दोनों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। और विकास खंडोला तो लगातार 2-3 साल से रिटेन होते आ रहे हैं हरियाणा के लिए, और विनय ने लास्ट ईयर कमाल का परफॉर्मेंस किया। और इसमें आपको मोहम्मद इस्माइल मकसूदलू देखने को मिल रहे हैं, जो लास्ट ईयर पटना के टीम में थे, पटना पायरेट्स के लिए ऑलराउंडर का भूमिका निभाया, अच्छे प्लेयर है। और मितु शर्मा, जिसके बारे में बात करते हैं, बहुत कमाल की रेडर है यार ये, तो समझ लो एक प्रदीप नरवाल जैसे खेलते हैं ना, कुछ एंगल इनसे मिलता जुलता है। और विकास चिल्लर आपको देखने को मिलेंगे। तो रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, तो उतना खराब भी नहीं है, लेकिन एक यंग टीम से भरा रहता है हरियाणा, जो मैं हमेशा कहता हूं आप सबको कि हरियाणा हमें लगता नहीं है उतना स्ट्रांग है, लेकिन हर बार हरियाणा अच्छा करता है। तो रेडर्स तो यही है, विनय, विकास खंडोला, इस्माइल मकसूदलू, मितु शर्मा और विकास चिल्लर। तो रेडर्स के मुकाबले में तो अच्छा है हरियाणा, तो इस बार भी हरियाणा ने यंग का जो कॉम्बिनेशन है, यंग प्लेयर्स को ज्यादा अपनी टीम में जगह दी है। तो अब रेडर्स के बाद हम बात करते हैं डिफेंडर्स के बारे में। तो डिफेंडर्स इनके पास बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, अच्छा डिफेंस है इनके पास, मतलब कुल 60 डिफेंडर्स हैं। चांद सिंह हुए, रवि कुमार है, यस, जयदीप, मोहित, राजेश गुर्जर और सुरेंद्र नाड़ा। तो ये 60 डिफेंडर्स हैं हरियाणा की टीम में। तो इसमें आपको रवि कुमार देखने को मिलेंगे, जो एक कवर है, कवर का भूमिका निभाते हैं, लेफ्ट कॉर्नर भी खेल लेते कभी कभार, लेकिन रवि कुमार कमाल के डिफेंडर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया लास्ट ईयर। और आपको यहाँ पे राजेश गुर्जर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत कमाल के यंग प्लेयर है, इनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे यंग प्लेयर्स में आपको कौन अच्छा करते हुए दिखेंगे उनका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। और सुरेंद्र नाड़ा एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, सीजन 7 में ये पटना के टीम में थे, पर इंजरी के कारण ये पूरे सीजन नहीं खेल पाए थे, और इस बार सुरेंद्र नाड़ा खेलने वाले और शायद हरियाणा के कैप्टन भी बन सकते हैं सुरेंद्र नाड़ा। और बहुत अच्छा लग रहा, डिफेंस उतना जरूर अच्छा नहीं है, क्योंकि रवि कुमार एक कवर है, लेफ्ट कॉर्नर आपको नाड़ा खेलते हुए दिखेंगे, राइट कॉर्नर पर अभी मुझे डाउट चल रहा है कौन खेलेगा। चांद है आपके पास, राजेश गुर्जर भी है यहाँ पर रेडिंग ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे डिफेंस के मुकाबले में। तो गाइस, ये बात हुआ डिफेंस का। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स के, कौन कौन से ऑलराउंडर्स इस बार हरियाणा स्टीलर्स के स्क्वाड में हमें देखने को मिलेंगे। तो ऑलराउंडर्स में इनके पास बहुत सारे प्लेयर हैं, हमिद मिर्जाई नादेर, राजेश नरवाल, रोहित गुलिया, विजेंद्र सिंह चौधरी, विकास जलनान और अजय गंदस। तो रोहित गुलिया बहुत ही कमाल के प्लेयर है, लास्ट ईयर गुजरात जैंट के कैप्टन बने थे, बीच में बहुत कंसिस्टेंट थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, लेकिन रिलीज हो गए और गुजरात इस बार हरियाणा की टीम में है, पर ये रेडर की भूमिका निभाते हैं, पर ऑलराउंडर भी निभाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, डिफेंस भी कर सकते हैं रोहित गुलिया, तो बहुत कमाल के ऑलराउंडर है ये, सबसे अच्छे ऑलराउंडर मुझे स्क्वाड में यही लग रहे हैं। राजेश नरवाल, जो कि बहुत साल बाद वापसी कर रहे हैं हरियाणा की टीम में, बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं है, देखते कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। और बृजेंद्र सिंह चौधरी लास्ट ईयर बेंगलुरु बुल्स के लिए खेले थे, चांस नहीं मिला उन्हें, विकास जगरान पटना के खेल लिया लास्ट ईयर और अच्छा परफॉर्मेंस किया था पटना के लिए, पर लास्ट ईयर विकास जगरान का उतना अच्छा नहीं गया, पर ऑलराउंडर से अगर देखा जाए तो एक डिसेंट है, मतलब मॉडरेट है, उतना कुछ खास अच्छा भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। तो ये बात हुआ ऑलराउंडर हरियाणा स्टीलर्स का। अब हम बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स का, ये पूरा स्क्वाड हमने देख लिया, तो मैं रेटिंग के बारे में बताऊंगा आपको। तो अब इसमें रेटिंग में कुछ आपके दिमाग में भी हो सकता है, ये पॉइंट कैसे कर रहा है, तो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेटिंग जानते हैं, मैं कितना पॉइंट देना चाहूंगा, तो मैं हरियाणा स्टीलर्स को 7.5 का रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। अब ये मैंने 2.5 क्यों काटे, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है आपके पास, आपके पास जरूर रोहित गुलिया है, सुरेंद्र नाड़ा है, राजेश नरवाल है, पर उतने कोई मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर नजर नहीं आ रहे हैं स्क्वाड में। यंग प्लेयर बहुत है पर उतना कोई खास नहीं दिख रहा है, और डिफेंस बहुत अच्छा है, रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन डिफेंस उतना अच्छा नहीं है, तो ये 2.5 मार्क्स जो है डिफेंस से ज्यादा कटे हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स के स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ इनका यंग प्लेयर बहुत ही बढ़िया है, और रेडिंग भी इनका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो रेडिंग अच्छा है और यंग प्लेयर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखा है रेडिंग में इन्होंने, और ऐसे ऑलराउंडर्स को खरीदा है जो रेड भी कर सकते हैं, लाइक रोहित गुलिया हो गए, राजेश नरवाल हो गए, जो बहुत अच्छे रेडर है। तो इसमें राजेश नरवाल को अच्छा चलना होगा हरियाणा के लिए, अगर उनको मौका मिले स्टार्टिंग सेशन में तो उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, तभी इनका एक स्क्वाड अच्छा हो सकता है। अब हम बात करते हैं वीकनेस के बारे में। तो वीकनेस साफ साफ हमें डिफेंस नजर आ रहा है, एक रवि कुमार और सुरेंद्र नाड़ा, रवि कुमार और यहाँ पे राजेश गुर्जर, तो इन तीन के अलावा मुझे कोई खास डिफेंडर नहीं दिख रहे। तो ये हरियाणा का पूरा स्क्वाड हुआ जो मैंने बता दिया, एनालिसिस किया, सब कुछ किया। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।